आप मोहतरमा, मुझे तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है। हाजी जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, कहिए क्या बात है? देखो, तुम जो कुछ भी कर रही हो वो ठीक नहीं है। मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। मैंने तुम्हें जब ये हवेली दी थी तो तुमने ये नहीं बताया था कि तुम यहाँ क्या करने वाली हो। मैंने यहाँ बच्चियों और उम्र दराज औरतों की तालीम की बुनियाद रखी। यही तो नहीं बताया था? अगर बताया होता तो ये हवेली किराए पे नहीं देता। आपको इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है मोहतरमा, और एतराज भी। मगर क्यों? मैंने आपसे हवेली किराए पर ली है, पेशगी किराया दिया है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, इस सबसे आपको क्या मतलब? वाह, ऐसे कैसे मान लिया मोहतरमा आपने? आप यहाँ जो जी चाहे वो कर रहे हैं? जो जी चाहे नहीं मोहतरम, मैंने यहाँ स्कूल खोला है, और स्कूल खोलना कोई गैर कानूनी काम नहीं। गैर मजहबी तो है ये आप कह रहे हैं हाजी जी? इस्लाम में क्या औरतों के तालीम हासिल करने पर पाबंदी लगाई गई है? बेशक पाबंदी नहीं लगाई है, मगर मैं वो सब यहाँ नहीं चलने दूंगा। कौम की औरतों को तुम क्या सिखाना चाहती हो? आखिरकार वो औरतें हैं और उन्हें औरतों की जगह ही रहने दो मोहतरमा। आपकी इसी सोच ने कौम की औरतों को तरक्की याफ्ता नहीं होने दिया। आखिर कब तक आप औरत जात को घर की चार दीवारी में कैद रखना चाहते हैं? और जो यही हो उनका मुस्तकबिल तो तुम क्यों अपनी टांग अड़ा रही हो मोहतरमा? क्या कर लेंगे आप? इकराम मियां, जरा बताइए मोहतरमा को कि हम क्या कर लेंगे। तुम्हें ये हवेली खाली करनी होगी। ना करूं तो? तो फिर जोर जबरदस्ती से हमें तुम्हारा सामान यहाँ से बाहर निकाल के फेंकना होगा। अरे वाह, ऐसे ही निकाल बाहर कर देंगे? हम सब कुछ कर सकते हैं मोहतरमा, बेहतरी इसी में है कि चुपचाप ये हवेली खाली कर दो। हाँ मोहतरमा, अमन चैन का तो यही रास्ता है। आप ये हवेली मुझसे 11 महीने तक खाली नहीं करवा सकते। वो कैसे? क्योंकि आपने किराए नामे पर बाकायदा दस्तखत किए हैं, और उस इकरार नामे पर ये साफ लिखा है कि इस हवेली की मैं कानूनन तौर पर किराएदार हूँ, वो भी आपकी मर्जी से। अब छोड़ो भी हाजी जी, क्या बहस में पड़ना, और वैसे भी कौन सी जरूरत है तुम्हें इस हवेली की? इकरामिया, ये तुम क्या रंग पलट रहे हो? हाजी जी, ठीक ही तो कह रहे हैं इकराम मियां, बात पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ठीक है मोहतरमा, आपका जो जी चाहे वो कीजिए। मुझे जो करना है वो मैं कर रही हूँ, आप साहिबान को क्या करना है ये आप जानिए। हटिए मेरे रास्ते से, देर हो रही है मुझे। अरे क्यों मियाँ, कल रात जो कुछ भी हुआ क्या कोई जल्दबाजी नहीं थी? कैसी जल्दबाजी, तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरे उसूल जिस बात के लिए इजाजत नहीं देते वो सब मुझे कबूल नहीं है। सोच समझ कर कह रहे हो? कभी कभार वक्त के साथ चलना पड़ता है, ये नहीं सोचते कि बिरादरी वाले क्या कहेंगे, थूकेंगे हमारे मुंह पर। और अगर बिरादरी वाले ये कहें कि मैंने जो कुछ भी किया वो सही था, तब? बिरादरी का वजूद किससे अबू? क्या ये जरूरी है कि जैसा हम सोचते हो बिरादरी भी वैसा ही सोचे? यकीनन, क्योंकि बिरादरी हमसे है, और हम सबको इस बात के लिए होशियारी नहीं बल्कि खबरदार भी रहना चाहिए कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जो कि हमारे मजहब के खिलाफ हो। औरत जात का तालीम याफ्ता होना, ये गैर मजहबी होना कहां लिखा है? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दूंगा, और ना ही मैं तुमसे किसी बहस में पढ़ना चाहता हूं। जो देर हो रही है, जा रहा हूं मैं मदरसे। बेशक आप किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन एक दिन आपको वक्त के हर सवाल का जवाब देना होगा। अरे अरे, ये बाप बेटे किस बहस में पड़ गए? अब्बू, अगर पाकीज़ा की जगह रुखसाना होती तो भी क्या आपका ये फैसला होता? कहीं ऐसा तो नहीं बेटे
कि खुद उनकी औलाद ही उन्हें नहीं समझ पा रही है। ऐसी बात नहीं अम्मी, वक्त बदल रहा है, अब्बू को अपनी दकियानुसी सोच बदलनी होगी। अल्लाह जाने मेरे नसीब में क्या लिखा। ये सब नसीब की बात नहीं है, ये सब सिर्फ सोच की बात है। जमाना तरक्की याफ्ता है, हमें भी उसी जानिब बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो बैठे हैं ढाक के तीन पात वहीं के वहीं। अरे तू कहाँ चली? क्या इतना काफी नहीं है? मैं जा रही हूँ और थोड़ी देर में लौट आऊंगी, क्योंकि मेरा खूंटा अभी इसी घर के सहन में गड़ा है। अरे है, कैसे कतरनी से जबान चला रही है लौंडिया। अरे भाई कहाँ जा रही हो रुखसाना? सेंटर तक जा रही हूँ भाई, पाकीजा आपा से मिलने। तो इतना मुझसे ना कह सकती थी? चलो आओ, दो जानने वाली हलक में डाल लो। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि एक भी निवाला मेरे हलक से नीचे उतर सकता है? पता नहीं कल से पाकीजा आपा ने कुछ खाया होगा या नहीं। तो ठहर, मैं बांधे देती हूँ, दोनों बहनें बैठ के नाश्ता कर लेना। कोई जरूरत नहीं है, रिश्ते सिर्फ रोटियों के मोहताज नहीं होते। अल्लाह, अरे रुखसाना तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं वहाँ कब से सेंटर के बाहर खड़ा हुआ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्यों? क्यों क्या, वो तो बस ऐसे ही हम लोग सेंटर के बाहर रोजाना मिल जाते हैं इसलिए। अच्छा ये बताओ तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं कोई तुम्हारी भैंस तो खोल कर नहीं ले गया ना? अल्लाह वास्ते चुप हो जाओ सलीम, मेरा जी अच्छा नहीं है। क्या हुआ रुखसाना, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी? हाँ भी भला तुम मुझे क्यों बताओगी, मैं तुम्हारा होता ही कौन हूँ। चुप हो जाओ, ऐसा बोला तो बहुत मारूंगी। मुझे माफ कर दो सलीम, तुम्हें लगी तो नहीं। चलो एक बात तो पता चली। क्या? यही कि अगर तुम मास्टर नहीं बनी तो बहुत सख्त बनोगी। चलो हटो, तुम हर वक्त ही मजाक करते रहते हो। रुखसाना किसी ने कहा है कि मजाक जो है बड़ी से बड़ी परेशानी को आसान कर देती है। अच्छा ऐसा है क्या? बिल्कुल, तुम खुद आसमा कर देख लो मौज मस्ती करके। पर मुझे तो कोई परेशानी नहीं और ना ही किसी मुसीबत की मारी। बिल्कुल झूठ, ए मोहतरमा सलीम के आगे ये सफेद झूठ नहीं चलेगा। तुम इतनी दिलचस्प बातें कैसे कर लेते हो सलीम? इसकी वजह तुम हो रुखसाना। मैं और तुम्हारी दिलचस्प बातों की वजह? मैं जानता हूँ कि हम दोनों को मिले हुए सिर्फ 4 दिन हुए और हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम सलीम पर भरोसा कर सकती हो, उसे अपना दोस्त मान सकती हो। अब हम अच्छे दोस्त हैं, है ना? अच्छा चलो अब जल्दी से बताओ क्या बात है, तुम परेशान क्यों थी और तुम आज सेंटर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है हमारे घर में क्या चल रहा है? तुम किसकी बात कर रही हो रुखसाना? तुम मर्दों की जात औरतों को कुछ समझते ही नहीं हो ना? ये तुमने कैसे कह दिया? क्या मैं तुम्हें वैसे लगता हूँ? तुमने मुझे भी उन मर्दों में शामिल कर लिया। तुम वैसे कभी बनना भी मत सलीम। अच्छा अब बताओ असल बात क्या है? तुम तो जानते ही हो कि पाकीजा आपा हमारे साथ रहती थी। हाँ फिर क्या हुआ? कल अब्बू ने उन्हें घर से निकाल दिया और हमेशा के लिए रिश्ता भी खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकीजा आपा का कसूर और गुना है कि वो पढ़ना चाहती है और सेंटर भी जाती है। बेचारी पाकीजा आपा। रुखसाना औरत कभी बेबस बेचारी और लाचार नहीं होती, उसे हम वैसा बना देते हैं जैसा अभी तुमने उन्हें बना दिया। अच्छा ये बताओ वो है कहाँ इस वक्त? मैं वहाँ सेंटर गई थी, किसी लड़की से मालूम हुआ कि पाकीजा आपा सेंटर में ही रहेंगी। तो ये तो अच्छा है, रेखा वहाँ पहले से रहती है, दोनों का साथ हो जाएगा। अच्छा ये बताओ तुम जब सेंटर गई थी तो क्या पाकीजा आपा से मिली थी? नहीं सलीम,
उनका सामना करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें उनसे जरूर मिलना चाहिए था। सोचो वो तुमसे मिलकर कितनी खुश होती। आप लौट क्यों आए? आपको तो मदरसे में होना चाहिए था इस वक्त। खैरियत तो है? घर आने पर कोई पाबंदी है क्या बेगम? या उसका कोई खास वक्त होता है? मेरी तबीयत ठीक है, दुरुस्त है एकदम। तब फिर कोई वजह तो होगी। अरे वो मिल गई थी मुझे, रिजवान अली। कौन रिजवान अली? वो रुखसाना के खालू? हाँ वही वही। अरे वो तो बम्बई में जाके बस गए थे, और यहाँ किस लिए? यहाँ किस लिए क्या, अपने घर और क्या। आ तो आए होंगे अपने घर, मगर आप उनकी वजह से मदरसे क्यों ना गए भला? अब बताऊंगा तो तुम एकदम खुश हो जाओगी बेगम। ऐ है मियां, पहेलियां मत बुझाओ, जो कुछ है साफ साफ बता दो। उन्होंने हमारी रुखसाना के लिए एक रिश्ता बताया। अल्लाह, रुखसाना? अपनी रुखसाना के लिए रिश्ता? बम्बई में उनके एक जानकार है, बड़ा कारोबार है, खासे रईस है। वो तो सब ठीक है, मगर इतनी जल्दबाजी भी क्या है? तुम्हें नहीं होगी लेकिन मुझे है। जब से ये पाकीजा की सोबत पे आई है ना, मुझे डर लगता है कि पता नहीं कब क्या गोल खिल जाए। अरे मियाँ, तो क्या आपने लौंडिया पर से भी तुम्हारा एतबार उठ गया? जो मंजर सामने है उसे देखकर तो मुझे अपने आप पर भी भरोसा नहीं है। मैंने रिजवान को हावी भर दी। आए है, ये क्या कर डाला? क्या घर में सब मर गए हैं जो इतनी जल्दबाजी कर ली? इसी जुम्मे रात को गोल मस्जिद में इसका निकाह है। इसी जुम्मे रात को? हाँ। मगर वो कारोबारी रईस हैं कहाँ? कैसी शक्लो सूरत है? उम्र क्या है? अरे बम्बई में है इस वक्त। रिजवान बता रहा था कि उनकी गिनती अभी भी जवान मर्दों में होती है। हाँ, इसका मतलब ये है कि पक्की उम्र की है मियाँ। इससे क्या फर्क पड़ता है भली मानस, हमारी बेटी महलों में रहेगी। अरे अब्बू, आप भी कमाल करते हैं, आप ऐसे ही कैसे किसी के हाथ में रुखसाना का हाथ थमा सकते हैं? क्यों, इसमें हर्ज क्या है? उसका बाप हूँ, कोई दुश्मन तो हूँ नहीं मैं। और रिजवान भी हमारा रिश्तेदार है, हमारे लिए कुछ भलाई सोचता है वो। हमारे खानदान की बुराई चाहेगा क्या वो? बुराई वो नहीं चाहेंगे, लेकिन अब्बू आप जो कर रहे हैं वो भी अच्छा नहीं कर रहे। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें रुखसाना की भलाई है, इस बात को तुम जान लो बरखुरदार। और ये निकाह इसी जुम्मे रात को पढ़ा जाएगा। मैं अपनी जबान देकर के आया हूँ, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? दूल्हा वहाँ बम्बई में, रुखसाना यहाँ, उनके यहाँ आए बगैर ये निकाह कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है, मैंने मौलवी साहब से बात कर ली, टेलीफोन पर उनकी रजामंदी मिल जाएगी और हमारी रजामंदी चली जाएगी। वो हम गरीबों के घर में आके क्या करेंगे? हमको तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी रुखसाना को एक बड़ा घर मिल रहा है। वाह, ऐसा निकाह होना कहाँ लिखा है? अरे लिखे पढ़े को मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि रुखसाना का निकाह इस जुम्मे रात को है, और उसी रात वो रिजवान के साथ बम्बई रवाना हो जाएगी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तुमसे कहा किसके समझने को, अपने दिमाग पर जोर डालने को? किसी को मेरी मर्जी से भी वास्ता है या नहीं, मैं ये निकाह हर किस नहीं करूंगी। ऐसे नहीं करेगी तू ये निकाह। अच्छा, मैंने तेरे को थोड़ी सी इजाजत बातचीत करने की क्या दी, तुम्हारे सिर पर चल गई कमक। होश में आ मियां, जवान लड़की पर इतना जुल्म अच्छा नहीं है। सलाह मशवरा कर लो, जो भी हो रिजवान अली को बता दो। अरे अभी तो बात ही चल रही है कि कोई निकाह हो गया। रुखसाना चल जा, चल यहाँ से। कोई मशवरा नहीं होगा, इस जुम्मे रात इसका निकाह होगा। अब्बू, अब आप तो बिला वजह जिद पर आ गए। मैं किसी जिद पर नहीं आया हूँ, मैंने उससे वादा किया है, अपनी जबान की है, अगर किसी ने भी इसकी मुखालफत की तो वो मेरी मैयत का चेहरा देखेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुवानी, आ सब खैरियत तो है ना? जो खैरियत ही होती घर से बाहर निकल आती। क्या हुआ मुवानी?
अभी जो हुआ है सो तो ठीक है, मगर जो होने वाला है उसका तो अल्लाह ही मालिक है। साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? तुम मोहन के साथ बैठ के बातें करो, जब तक मैं बाजार का कुछ काम कराती हूँ। जुम्मे रात को रुखसाना का निकाह है। क्या? रुखसाना का निकाह? हाँ पाकीज़ा। पर ये सब अचानक, ये सब क्या है मुमानी? ये तुम्हारे मामू का फैसला है। अगर तुम चाहो तो हम इस अजाब से छुटकारा दिला सकती हो। मैं भला आपको कैसे छुटकारा दिला सकती हूँ? तालीम हासिल करने की अपनी ये मंशा छोड़ दो पाकीज़ा और घर लौट चलो। मैं तालीम हासिल करना छोड़ घर लौटाऊं? उससे क्या होगा मुमानी? क्या मामू अपना फैसला बदल देंगे? ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। ऐसा कैसे कह सकती हैं? वो वजह जो इस फैसले की जिद है। और क्या है वो वजह? उन्हें शक है कि कहीं रुखसाना भी तुम्हारे कदमों पर ना चलने लगे। ये क्या बात हुई मुमानी? जब रुखसाना की ही यही ख्वाहिश हो तो वो मैं नहीं जानती। एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोच देखो पाकीज़ा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुम ऐसा कर सके तो ये खानदान तबाह होने से शायद बच जाए, शायद बच जाए। अच्छा मैं चलती हूँ। मुझे माफ कर देना मुमानी, पर पाकीज़ा के कदम वापस नहीं लौटेंगे। जो लड़कियां 5-6 साल में तालीम पूरी नहीं कर पाती वो तुमने पूरी 2 साल में ही कर ली है। अगर तुम दोनों का साथ और रूबी बाजी का मुझे यकीन दिलाना नहीं होता तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। अच्छा, और वो स्वयं सहायता समूह बना महिलाओं में आमदनी के रास्ते खोलने का विचार किसका था? हाँ हाँ रेखा, अब ये पाकिस्तान थोड़ी ना बताएगी, ये तो हमारी तारीफ में कसीदे पड़े जाएंगे। सेंटर में आपका स्वागत है। शुक्रिया शुक्रिया। वाकई में आपने अंधेरे में जो शर्मा रोशन करी है, मुझे लग रहा है कि एक वक्त वो आएगा कि ये आपकी एक नन्ही सी शमा जो है दूर दूर तक के अंधेरों को गायब कर देगी बिल्कुल, और वो उजाले सामने आएंगे जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग फायदा उठाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ यही लगन, यही मेहनत और इसी जज्बे से काम करते रहना जरूरी है। आइए सर, मैं आपको सेंटर घुमाती हूँ। देखो तो राशिद, पिछले 1 साल में
घर में कितनी तब्दीलियां आ गईं। तुम मास्टर बन गए और बस घर की शक्ल सूरत ही बदल गई। और तो और ये फ्रिज सोफा इसके साथ साथ तुम भी मॉडर्न हो गई हो। टेबल पर बैठकर नाश्ता करती हो। लेकिन अम्मी अब्बू को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वक्त अपनी जगह ठहर गया। अच्छा हाँ याद आया, चल जल्दी से रुखसाना से बात करा दे आज। हाँ हाँ तुमने आज बिल्कुल सही वक्त पर पकड़ लिया, अभी लगाता हूँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, अभी अभी लगाता हूँ। कोई फायदा नहीं, हमें बार बार यही बताया जा रहा है ये नंबर मौजूद नहीं है, नहीं है, नहीं है, चेक कर ले, चेक कर ले। आग लगे मरे इन नंबरों को। अभी 5-6 महीने कबल तो अच्छी खासी बात हो जाया करती थी। कहाँ अम्मी, निकाह के बाद जब रुखसाना बम्बई गई कुछ दिनों बाद तक बात हुई है, उसके बाद तो दूल्हे भाई फोन उठाते थे और हमेशा मसरूफियत की बात कह के फोन काट देते थे। तू सही कह रहा है राशिद, अब तो 1 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया जब ये नंबर ही नहीं मिलता, क्या करें? अल्लाह ने मेरे इस जिगर के टुकड़े को बसाया भी तो इतनी दूर कि उसका दीदार ही नहीं होता। ऐसा ना कहो, बसाया अल्लाह मियां ने नहीं हमारे रुखसाना को, बसाया हमारे अब्बू ने। मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह उसे अपने अमान में रखे। सोचता हूँ कि मुंबई हो, पता तो करूँ कि अपनी रुखसाना किस हाल में है। मौज कर रही होगी, बाल बच्चों से उसे फुर्सत ही कहाँ होगी, गहनों से लदी होगी मेरी बच्ची। हाँ अम्मी, हम यहाँ बैठकर इसके अलावा सोच भी क्या सकते हैं। दरअसल हकीकत क्या है इस बात की खबर या तो रुखसाना को होगी या फिर। आज पूरे दिन की मशक्कत ने मुझे थका ही दिया। कैसा रहा दिन दीदी? एक्सीलेंट, फैबुलस, अमेजिंग। आज ऐसा लग रहा है मानो मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। जल्दी से बताइए ना दीदी क्या बात है। आज हमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आप थी तो मुमकिन था दीदी। नहीं ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ, ये सब तुम लोगों की मेहनत है जो हमें इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। और हाँ पाकिजा, तुम्हारे स्वयं सहायता समूह बना, रोजगार के नए जरिए तलाशने और उन पर औरतों के अमल को लेकर अफसरान बहुत खुश हैं। जानती हो क्या नतीजे निकले हैं? कुछ हल्की मशीनों के लिए उन्होंने फंड देने का वादा किया है, जिसकी वजह से जो काम अब तक हाथों से होता था अब मशीनों से होने लगेगा। वक्त भी बचेगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है बाजी। एक और अच्छी खबर है मेरे पास, जल्दी बताइए ना। मैं पाकिजा को इस सेंटर का सदर बनाना चाहती हूँ। उन अफसरान की भी यही राय है। मैं इस सेंटर की सदर बनने के लायक नहीं हूँ बाजी, मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मत डालिए, मुझे नहीं हो पाएगा ये सब। क्यों नहीं हो पाएगा, गए 1 साल से कौन कर रहा है सब? मैं इस काबिल नहीं हूँ। अब फैसला हो चुका है पाकिजा, इस सेंटर की नई सदर तुम ही हो। रेखा मैं सोच रही थी कि इस सेंटर पर मेरा काम पूरा हो गया और तुम्हारा भी। हम दोनों जिस आरजू के साथ यहाँ आए थे वो ख्वाहिश तो पूरी हो गई। हाँ दीदी मैं खुद आपसे कहने वाली थी। रेखा अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। आप क्या कह रही हैं बाजी? आपके बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं नहीं जाने दूंगी आपको। खुदगर्ज मत बनो पाकिजा, कोई ऐसा ही मोहल्ला, कोई तुम्हारे जैसी पाकिजा वहां मेरा इंतजार कर रही है। कोई ऐसा ही सेंटर इस मुल्क के किसी दूसरे कोने में क्या मुझे नहीं खोलने दोगी? बोलो। वो तो ठीक है बाजी मगर। अच्छा अब मेरी बातें गौर से सुनो और गिरह बांधो। जो भी लड़कियां और औरतें तालीम पा चुके हैं उन नव साक्षर को हमें ये याद दिलाना होगा कि वो यहाँ से जाने के बाद तालीम से जुड़े रहे। हर एक नव साक्षर कड़ी है उस जंजीर की जो इस समाज में तालीम की एक नई क्रांति लाएगा और तब पूरा हिंदुस्तान तालीम याफ्ता होगा।
तालीम के साथ नव साक्षरों को रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराने होंगे, जिससे उनके जीवन के आर्थिक स्तर का विकास हो। क्यों रूबी दीदी, तुम ठीक कह रही हो रेखा, चले अब। चलें पाकिजा। आप इस मुकाम पर आकर मुझे तन्हा छोड़ के जा रही है? तुम तन्हा कहाँ हो? तुम्हारे पास तो हिम्मत, साहस और कुछ कर गुजरने का जज्बा है। चलो रेखा, पाकिजा जज्बाती हो रही है। अम्मा कितनी बार कहा कि कोई काम करने वाली रख लो, आपका तो सारा दिन बस बर्तन धोने में ही गुजर जाता है। अरे काम काज है तो जिस्म चलता है, ये नहीं पता तुझे? अरे अब आराम करने के दिन आए तो थोड़ा आराम भी कर लो। खैर मैं चलता हूँ, मुझे आ रही है जोरों की नींद। शब्बा खैर। शब्बा खैर। कौन है? अरे इतनी रात गए। अरे भाई आ रही हूँ, क्या दरवाजा तोड़ने का इरादा है?